कांग्रेस जो है वो राजद की पालकी पहले भी ढोती रही और आगे भी ढोती रही। ये नूरा कुश्ती है, ये दिखावा है। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ युवराज। बिहार में दो विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जो विधानसभा सीटें हैं वो खाली हो गई थी, जिसको देखते हुए अब 30 अक्टूबर को चुनाव तो होने जा रहा है, मगर महागठबंधन में इन दोनों सीटों के लिए तकरार हो गई। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ आरजेडी के जितने भी नेता थे वो आपस में ही भिड़ गए और अंतिम में फैसला ये हुआ कि आरजेडी ने भी अपने दोनों प्रत्याशी पर्टिकुलर दोनों सीट पर उतार दिए और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी अपने दोनों प्रत्याशी अपने उन दोनों सीटों पर उतार दिए। मगर आपको बता दें कि एनडीए की ओर से भी अब इस टूट के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि उनको इस महागठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आखिर उनकी महागठबंधन में क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी बार बार कहती रही है कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी वही है, बिग ब्रदर की भूमिका में वही है, तो उसकी बात और मनमानी ज़्यादा चलेगी, मगर कांग्रेस है कि उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। मगर अब सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस दिया है और साफ कहा है कि यह तो एक गेम चल रहा है कांग्रेस आरजेडी का, एनडीए के वोट बैंक में सीधे सेंध मारने के लिए कांग्रेस और आरजेडी नौटंकी कर रही है। सुशील कुमार मोदी ने यह आरोप लगाया है कि आरजेडी की पालकी को बहुत पहले से ही कांग्रेस ने अपने कंधों पर उठा रखा है, यह तो बस गेम चल रहा है, एक तरह का प्लान है जिससे एनडीए के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया जाए, एनडीए के सारे वोटर्स हैं उनको अपनी ओर खींचा जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तारापुर से अतिरेक कुमार और कुशेश्वर स्थान से राजेश मिश्रा को टिकट दिया है, तो वहीं आरजेडी ने तारापुर से अरुण शाह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को टिकट दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जदयू के जो दो विधायक थे उनकी मृत्यु हो जाने के कारण विधानसभा के उपचुनावों के लिए अब तारीखें जो तय हैं वोटिंग की वो 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई हैं। मगर अब एनडीए की तरफ से भी लगातार महागठबंधन में हुई टूट के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और लगातार बताया जा रहा है कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो या आरजेडी का, वो दोनों मजाक कर रहे हैं और एक तरह का गेम चल रहा है कि किस प्रकार से एनडीए के वोटर्स को अपनी ओर खींचा जाए। देखिए सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी किस प्रकार से तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ तीर छोड़ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि तुम्हारा ये गेम बीजेपी को साफ साफ पता है, एनडीए के वोटर्स को अपनी ओर खींचने का जो प्लान है वो फेल साबित होगा। देखिए सुशील कुमार मोदी की पूरे बयान है कि फिर चुनाव बाद में ब्रेक हो जाएंगे, ये सब दिखावा है केवल। कांग्रेस राजद कभी भी अलग हो ही नहीं सकती। कांग्रेस जो है वो राजद की पालकी पहले भी ढोती रही और आगे भी ढोती रही। ये नूरा कुश्ती है, ये दिखावा है, अलग अलग लड़ रहे हैं। उद्देश्य यह है कि एनडीए को हराओ और एनडीए के आधार वोट में सेंध लगाओ। इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस राजद को जिताने के लिए वहाँ चुनाव लड़ रही है। लालू जी को बेल मिला था लेकिन कल चुनाव प्रचार में जाने की संभावना है सर। लालू जी कल आ रहे हैं। लालू जी हो गया।